नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति मंत्र में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हुआ था। संतान की लंबी आयु के लिए माताएं इस दिन व्रत रखती हैं। दोस्तों, आइए ललही छठ व्रत की कथा देखते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक ग्वालिन गर्भवती थी। उसका प्रसव काल नजदीक था, लेकिन दूध दही खराब न हो जाए इसलिए वह उसको बेचने चल दी। कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने झरबेरी की ओट में एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हल षष्ठी थी। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह बच्चे को वहीं छोड़कर दूध दही बेचने चली गई। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने गांव वालों को छल करके दूध बेच दिया। इससे व्रत करने वालों का व्रत भंग हो गया। इस पाप के कारण झरबेरी के नीचे पड़े उसके बच्चे को किसान का हल लग गया। दुखी किसान ने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टांके लगाए और वहां उसे छोड़कर चला गया। ग्वालिन जब लौटी तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे अपने पाप याद आ गए। उसको तुरंत पता चल गया कि ये मेरे कर्मों की सजा है। उसने तत्काल प्रायश्चित किया और गांव में घूमकर अपनी ठगी की बात बताई और उसके कारण खुद को मिली सजा के बारे में सबको बताया। उसके सच बोलने पर सभी गांव वाले और गांव की महिलाओं ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार ग्वालिन जब लौटकर खेत के पास आई तो उसने देखा कि उसका मृत पुत्र खेल रहा था। तो दोस्तों, ये थी हल षष्ठी व्रत की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।